नमो नमः। आज हम सभी सांख्यकारिका में वर्णित करणों के जो विषय हैं, विशेष और अविशेष, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। सांख्यकारिका में वर्णित एक कारिका है, तन्मात्राण्य विशेषाः तेभ्यः भूतानि पंच पंचभ्यः एते स्मृता विशेषाः शांता घोराश्च मूढ़ाश्च। अर्थात विशेष का अर्थ होता है स्थूल और अविशेष का अर्थ है सूक्ष्म। विशेष अविशेष के अंतर्गत पंच तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि आते हैं। इन्हें करणों का अविशेष नामक विषय कहा जाता है। तेभ्यः पंचेभ्यः अर्थात इन पांच तन्मात्राओं से जो अविशेष रूप हैं, इनसे पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। पंच महाभूत ही विशेष नामक विषय कहे जाते हैं, विशेष नामक विषय कहे जाते हैं। विशेष का अर्थ ही होता है स्थूल। विशेष का अर्थ क्या होता है? स्थूल। ये जो विशेष है, ये जो पंच महाभूत है, ये विशेष है, ये विशेष शांत घोर और मूढ़ स्वभाव वाले होते हैं। शांत का अर्थ होता है सुखात्मक, घोर का अर्थ होता है दुखात्मक, और मूढ़ का अर्थ होता है मोहात्मक। तो इन विशेषों के भी, ये जो तीन प्रकार, ये दो दो प्रकार के विषय हुए, उस विशेष के भी तीन भेद हुए। उन विशेष के भी तीन प्रकार के भेद हैं। कौन कौन से हैं? सूक्ष्मा माता पितृजाह प्रभूतस्त्रिधा विशेषाः स्युः। विशेष के तीन भेद हुए, सूक्ष्म शरीर, माता पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर, और पंच महाभूत, महाभूत जिसको कहते हैं महाभूत। एते विशेषाः स्युः, इनको विशेष कहा जाता है। विशेष क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका पृथक रूप से, अलग रूप से हमें अनुभव होता है, ज्ञान होता है, इस कारण से इनकी संज्ञा विशेष हुई। सूक्ष्मास तेषाम, इसमें से जो सूक्ष्म नामक विशेष है, माने सूक्ष्म शरीर नामक विशेष है, वह नियत माना जाता है। नियत का तात्पर्य है सृष्टि के आरंभ, सृष्टि के नष्ट होने तक अर्थात प्रलय काल तक स्थिर रहने वाला, उसे नियत कहते हैं। माता पितृजा निवर्तन्ते, माता पिता से उत्पन्न होने वाला जो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर नामक विशेष है, वह नाशवान है, वो समय समय पर नष्ट होता रहता है। इसको अगर, और इनके अर्थ को यदि हम और अच्छे ढंग से समझना चाहें, तो इस रेखा चित्र के माध्यम से हम बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। देखिए, विषय करणों के विषय क्या हैं? पहला है अविशेष और दूसरा क्या है? विशेष। अविशेष को कहते हैं सूक्ष्म विषय और विशेष को कहते हैं स्थूल विषय। विशेष को क्या कहते हैं? स्थूल विषय। और स्थूल जो विषय है, इसके भी तीन प्रकार के मान लिए गए, सूक्ष्म शरीर, माता पिता से उत्पन्न शरीर, और महाभूत। महाभूत, तो इसमें जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर पर विशेष रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है। सूक्ष्म शरीर के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए बताया गया है कि पूर्वोत्पन्न असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरत निरुपभोगम भावे रधिवासितम लिंगम। अर्थात ये जो सूक्ष्म शरीर है, पूर्वोत्पन्न है, अर्थात सृष्टि के आरंभ से ही उत्पन्न है, और नियतम माने प्रलय काल तक नियत रहने वाला, अस्थाई रहने वाला है। महद आदि सूक्ष्म पर्यंतम, ये महद तत्व से लेकर सूक्ष्म पर्यंत, तात्पर पंच तन्मात्राओं तक मिला करके कुल 18 तत्वों से निर्मित है। संसरत निरुपभोगम, निरुपभोगम का अर्थात तात्पर है भोग रहित। भावय अधिवासितम, भावय अधिवासितम का अर्थ है कि बुद्धि के 8 भाव होते हैं, धर्म अधर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य आदि। इन 8 भावों से भावित होकर ये जो सूक्ष्म शरीर है, वह संसरति माने विचरण करता है, एक योनि से दूसरी योनि में संसरण करता है। ये आज की विषय में, ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये बड़ा महत्वपूर्ण। तो आप अभी तक आप सभी ने पढ़ा कि ज्ञान इंद्रियों या करणों के मुख्य रूप से दो विषय होते हैं, एक होता है अविशेष जिसको सूक्ष्म कहा जाता है, दूसरा होता है विशेष जिसे स्थूल कहते हैं। उस विशेष के भी तीन भाग हैं,
सूक्ष्म शरीर, माता पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर और महाभूत। सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से निर्मित है, अर्थात वो 18 तत्व कौन कौन है? पहला है बुद्धि तत्व, दूसरा है अहंकार, तीसरा है बुद्धि तत्व माने महत्तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र और एकादश इंद्रियां। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो कुल 18 तत्व होते हैं सूक्ष्म शरीर में। इन्हीं सूक्ष्म शरीरों से, इन्हीं 18 तत्वों से निर्मित जो सूक्ष्म शरीर है वो प्रलय काल तक स्थायी रहता है, और इसी सूक्ष्म शरीर के कारण पुरुष जो है एक योनि से दूसरे योनि में संस्मरण करता है। बस आज इतना ही।